200 टॉप एंड्रॉइड गेम की वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का प्रोगेमर एक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ मजेदार टॉप 5 बेस्ट ऑफलाइन एंड्रॉइड गेम्स के बारे में, जिसके अंदर आपको बहुत ही मजेदार ऑफलाइन गेम्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही ये सारे गेम्स का साइज आपको 100 MB से कम ही देखने को मिलने वाला है। और तो ये सारे गेम्स अलग अलग कैटेगरीज के भी होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको एक्शन गेम से लेकर RPG गेम जैसे और भी बहुत सारे फाइटिंग गेम्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप बहुत ही इजीली अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर ऑफलाइन तो खेल ही सकोगे। तो गाइस, इन्हीं मजेदार गेम्स के बारे में जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे फ्यूचर में आने वाले गेम्स रिलेटेड अपडेट्स को भी आप मिस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए इस मजेदार टॉप 5 बेस्ट ऑफलाइन एंड्रॉइड गेम्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं फायरमैन फायर फाइटर सिमुलेटर गेम से। दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार ओपन वर्ल्ड फायर फाइटर सिमुलेटर गेम है, जिसके अंदर आपका कैरेक्टर फायर फाइटर का होता है और आपको फायर फाइटर का रोल प्ले करके इस गेम में बहुत सारे मिशंस तो कंप्लीट करने को मिलते ही है। साथ ही इस गेम के ओपन वर्ल्ड एरिया में आपको अलग अलग जगहों पर जाकर बहुत सारी आगों को बुझाना पड़ेगा, और फायर को बुझाने के लिए इस गेम में आपको बहुत सारे गैजेट से लेकर इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अपने लेवल को अपग्रेड करके आसानी से अनलॉक कर सकते हो। साथ ही साथ बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की, तो 100 MB से कम साइज होने की वजह से इसमें आपको ठीक ठाक 3D ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं, और ऑफलाइन गेम होने की वजह से आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी इसे आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले गेम का नाम है राइज ऑफ सर्वाइवल। दोस्तों, राइज ऑफ सर्वाइवल एक बहुत ही शानदार फर्स्ट पर्सन शूटर ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है, जिसमें आपको अलग अलग तरह की जगहों पर जाकर अलग अलग तरह के ज़ॉम्बी से सर्वाइव तो करना ही पड़ता है, और उनसे सर्वाइव करने के लिए इस गेम में आपको अलग अलग तरह के वेपन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आप पिस्टल से लेकर शॉटगन, स्नाइपर राइफल जैसे और भी बहुत सारे वेपन्स का इस्तेमाल करके आसानी से ज़ॉम्बीज को मार के गेम के लेवल को कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको वेपन कस्टमाइजेशन जैसे और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिससे ये गेम एक बहुत ही मजेदार फर्स्ट पर्सन शूटर सर्वाइविंग गेम बन जाता है। और तो और बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की, तो 100 MB से कम साइज होने की वजह से इसमें आपको ठीक ठाक 3D ग्राफिक देखने को मिलेगा, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एंजॉय कर सकते हो। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गेम का नाम है सिलेंडर मैन 2 बियॉन्ड फेयर। दोस्तों, सिलेंडर मैन 2 सिलेंडर मैन का ही नया वर्जन गेम है, जिसके अंदर आपको एक ओपन वर्ल्ड एरिया के अंदर सिलेंडर मैन से बसना पड़ता है, और बसने के लिए इस गेम में आपको टॉर्च से लेकर अलग अलग तरह के गैजेट्स देखने को मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से सिलेंडर मैन से बच के इस गेम में दिए गए टास्क को कम्प्लीट कर पाओगे। और तो बहुत ही ज्यादा सिंपल कंट्रोल्स होने की वजह से इस गेम को आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर बहुत ही स्मूथली खेल पाते हो, और जैसे जैसे आप इस गेम के लेवल को कंप्लीट करते हो, आप इस गेम की स्टोरी लाइन को भी आसानी से कंप्लीट कर पाते हो। और दोस्तों, बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की, तो 100 MB से कम साइज होने की वजह से इस गेम में भी आपको ठीक ठाक 3D ग्राफिक देखने को मिल जाता है, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से इस गेम को भी अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर डाउनलोड करके ऑफलाइन खेल सकते हो। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गेम का नाम है गन फायर एंडलेस एडवेंचर। दोस्तों, गन फायर एंडलेस एडवेंचर एक बहुत ही शानदार फर्स्ट पर्सन शूटर एडवेंचर गेम है, जिसके अंदर आपको अलग अलग जगहों पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेवल्स को कंप्लीट करने को मिलते ही हैं, और लेवल्स कंप्लीट करने के लिए रास्ते में आने वाले अलग अलग तरह के एनिमीज से लेकर आपको क्रिएचर्स को भी डिफीट करना पड़ेगा, और उन्हें डिफीट करने के लिए इस गेम में आपको बहुत सारे वैरायटीज के वेपन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल आप इस गेम के लेवल को कंप्लीट करने के लिए तो कर ही पाओगे। साथ ही साथ वेपन कस्टमाइजेशन से लेकर इसमें आपको और भी मजेदार फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप 40 से ज्यादा वेपन्स अनलॉक करने से लेकर अपने वेपन्स को भी कस्टमाइज कर पाते हो। और दोस्तों, बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की, तो 53 MB का साइज होने के साथ ही इसमें आपको बहुत ही अच्छे 3D ग्राफिक देखने को मिलेंगे, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर ऑफलाइन खेल सकते हो।
गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी गेम का नाम है व्हाइट फ्लेम। दोस्तों व्हाइट फ्लेम एक बहुत ही शानदार एक्शन एडवेंचर आरपीजी गेम है जिसके अंदर आपका कैरेक्टर एक वॉरियर का होगा और आपको इस गेम में दिए गए ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर अलग अलग तरह के वॉरियर से फाइट करके इस गेम की स्टोरी को आगे बढ़ाना पड़ता है। और तो और अपने एनिमी से फाइट करने के लिए इस गेम में आपको तीर से लेकर तलवार जैसे और भी बहुत सारे वेपन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें आप जैसे जैसे इस गेम के लेवल को कंप्लीट करोगे आप अपने वेपन्स को कस्टमाइज करके और भी ज्यादा पावरफुल बना पाते हो। साथ ही साथ इस गेम में आपको बॉस बैटल भी करने को मिलेगी, जिसमें आप बॉस को डिफीट करके आसानी से इस गेम के लेवल को कंप्लीट कर पाते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गेम के ग्राफिक्स की। स्वयं भी का साइज होने के साथ ही इसमें आपको ठीक ठाक 3D ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर ऑफलाइन खेल सकते। तो गाइस ये थे स्वयं बी के अंदर आने वाले कुछ मजेदार नए ऑफलाइन एंड्रॉयड गेम्स जिन्हें आप आसानी से अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर खेल सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाले गेम्स से रिलेटेड अपडेट्स को आप मिस नहीं कर पाओगे। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा गेम पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।